हजरत फातिमा फरमाती है, हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर उजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई, कहती हूँ हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया और मैं फातिमा आ गई हो। हुजूर आई फरमा चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग, चल तू भी हाथ उठा मेरी उम्मत की बहनों माओ के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोजख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती है और मदद के लिए पुकारती है, वो बड़ी तकलीफ में है। बीबी साहब आज कहते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोजख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग।